टाइम जा रहे हैं, 5 4 3 2 1 गो। एक बेबाक, निर्भय और निडर पत्रकार जिसके नाम में ही क्रांति गूंजती है, विप्लव, आप सभी का विप्लव, जो दिखाएगा आपकी परेशानियां, जो सुनाएगा आपकी बेबसी और पहुंचाएगा उन लोगों तक जिन तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी के क्रांति दूत विप्लव का। विप्लव किधर है सर? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। दरअसल मैं इसे सुला रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चा जिस वक्त इसके पिता की हत्या हो रही थी, इसकी माँ की इज्जत लूटी जा रही थी, उसे कुछ ही समय पहले शायद इसकी माँ ने इसे दूसरे कमरे में सुलाया था, इसलिए आज ये जिंदा है। अपनी जुबान से मम्मी पापा का नाम लेने से पहले ही ये अनाथ हो गया। ये बोल नहीं सकता, ये जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना, आप तो जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग बोले, जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। किस बात का डर है आपको? यही डर है ना कि मर जाएंगे? अरे मरने से अच्छा है कि एक काम तो अच्छा करके जाएंगे। अगर अत्याचार करना बुरा है तो उससे भी बड़ा पाप होता है अत्याचार सहना। तो प्लीज बोलिए। ऑडियंस में एक आंटी रो रही है, शायद कुछ परेशानी है, प्लीज गो एंड सी। आंटी आप रो क्यों रही हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बोल नहीं पा रही? आंटी आज आपके पास एक मंच है, बोलने की आजादी है, हम सब हैं सुनने के लिए, हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे। आपकी बातों से मुझे भी हिम्मत मिली है विप्लव, अब मुझे मौत का खौफ नहीं है। मैं भी सच बताना चाहती हूँ, आज से ठीक एक साल पहले उसने मेरे बेटे का खून किया था और मुझे भी धमकाया कि अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो मुझे भी मार देगा, और वो खूनी इसी स्टूडियो में मौजूद है। कौन है वो? आंटी डरने की जरूरत नहीं, आप बोलिए कौन है वो? वो पकड़ो उसको। जब समाज में मान सम्मान, प्रेम, यारी, दोस्ती इंसान की कामयाबी से जुड़ी होती है तो इंसान उस कामयाबी को हासिल करने के लिए इंसानियत तक को दांव पर लगा देता है। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का केस एक ऐसा हैरत अंगेज केस है जिसमें दरिंदगी और वहशीपन ने सारी सीमाएँ पार कर दी और इंसानियत चूर चूर हो गई। ये एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जिसे देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने श्रीलंका को हरा के दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। बाबूजी, अम्मा, अम्मा, बाबूजी, बेटे, पत्रकारिता की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए। बहुत अच्छी बात है। और बाबूजी, जगदलपुर में एक अखबार में सह संपादक की नौकरी भी मिली है। बधाई हो भैया। तुम्हें भी बधाई हो भैया। भाभी मुस्कुरा रही है, बहुत शैतान हो गया भैया। भैया भैया, 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 क्या, भैया, भैया खोलो, भैया, 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 भैया खोलो। जहरीली शराब विराट भैया को निकल गई। इस गांव में मन नहीं लगता, मैंने सोच लिया है, अम्मा बाऊजी हम सब जगदलपुर चलेंगे,
मेरी नौकरी लग गई है वहां, मुझे मुझे पूरा भरोसा है तू भी कुछ अच्छा कर लेगा। सर सर मैंने आपको पूरे 5 कॉलम की स्टोरी दी थी, जंतर मंतर पे जो जन आंदोलन हो रहा है उसका पूरे देश पर क्या असर हो रहा है, और सर जो NRIs अपनी जॉब छोड़कर ये इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, सर मैंने सब कुछ आपको डिटेल्स में दिया था और आपने सर एक कॉलम में सब कुछ खत्म कर दिया। सर इसमें ना कोई फैक्ट्स है ना फिगर्स है। मिस्टर विप्लव यू आर आउटडेटेड, तुम भी और तुम्हारी पत्रकारिता भी, तुम पत्रकारिता को एक मिशन समझते हो जबकि ये एक दुकान बन गई है, और ये जो तुम समाज सेवी टाइप की खबरें लेकर आते हो ना, इसमें कोई मसाला होता है ना कोई तड़का होता है, कौन पड़ेगा इनको। और सुनो तुम मेरे पेपर के ऊपर बोझ बन गए हो, कोई और काम देख लो। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नीता मैं अपने पूरे परिवार को गांव से यहाँ लेके आया था ये सोच के कि अब सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर अपना हाथ में पैसा है ना कोई काम है, जितने पैसे बचे हैं उससे एक हफ्ते से ज्यादा हमारी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। ये लीजिए। ये क्या कर रही हो नीता? आप इसे बेच के कुछ पैसे ले आइए, मेरी मानो तो हम एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं। इससे दुकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं आएंगे, दुकान में सामान कहाँ से भरेंगे? दुकान ना सही, दुकान में सामान पहुँचाने का बिजनेस तो कर सकते हैं ना, आप एक टेम्पो किराए पर क्यों नहीं ले लेते? तुम पत्रकारिता को एक मिशन समझते हो जबकि ये एक दुकान बन गई है। थैंक यू। ये ना उधार रहा मुझ पे। ए, दो भाई वो एक सिगरेट चाहिए थी, वो भरी वाली भाई भाई पैसे है मेरे पास। ए, वो सब नहीं बेचता मैं भाई, बहुत तलब लगी भाई। भाई आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई, मैंने बोला ना बहुत हालत खराब हो रही भाई। चलो यार विशेष बहुत सही शूट किया यार, एकदम प्रोफेशनल। अब हमारा अगला टारगेट है सैमसन के बॉस का वो घर जहाँ पे लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं। ठीक है बाहर से तो शूट कर लेंगे, अंदर कैसे जाएंगे? चिंता मत कर मैं हूँ ना। क्या हुआ भाई, चक्कर आ रहा है क्या? साथी आता क्या क्या? अरे नहीं आटा आटा जल्दी आओ इधर जल्दी बस 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 थोड़ा। वाह ये तो जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, मैं इसे प्राइम टाइम में एक्सक्लूसिव न्यूज की तरह दिखाऊंगा और उसके पहले प्रोमो में भी चलाऊंगा। सर वो सब तो ठीक है लेकिन हमें क्या मिलेगा? अरे कॉम्पनसेशन मिलेगा ना तुमको, बस तुम इसी तरह से सनसनी खेज खबरें लाते रहो, फिर देखो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सदर केस प्राइम टाइम न्यूज में। आज हमारे साथी रिपोर्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिससे हमारे समाज में फल फूल रहे ड्रग्स के कारोबार की सच्चाई सामने आई है। हमारी इस वीडियो का असर एकदम सही हुआ है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि पुलिस ने उस अड्डे पर रेड मारी है और ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। भैया हमने खेल बड़ा खेला, माल भी अच्छा कमाया, पर ये ज्यादा डेंजरस नहीं है? हमें और जोखिम नहीं उठाना चाहिए। भैया मुझसे और नहीं होगा। क्या तू ये हमेशा नानुकुर करता रहता है? हाँ देख अगर मेरे साथ रहना है ना तो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा, वरना जा वापस गांव जा और वहां जाके सड़। अगर तू नहीं करेगा तो मैं पैसा दूंगा, कोई भी मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तू मेरा भाई है इसलिए तुझसे पहले कह रहा हूँ कि घर का पैसा घर में रहे। अम्मा बाबूजी बाहर क्या गए, आप दोनों भाई ने तो घर में पीना शुरू कर दिया। अरे खाली पेट क्या पी रहे हो, ये भी खा लो। ये ले। बस्तर में सूखे की मार राशन बांटेगी सरकार। मिल गया। क्या तुझे टाई पहननी आती है? हेलो सर, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसके टेंडर आपके पास ही आते होंगे, तो क्यों ना हम और आप मिलकर एक ऐसी डील करें
जिससे आपका भी प्रॉफिट हो और हमारा भी। गरीबों को अनाज मिलेगा लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से गवर्नमेंट चाहती है, बल्कि उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, टेंडर आपका ही पास होगा। थैंक यू सो मच सर। गरीबों के मुंह की रोटी छीनने वाले सरकारी अफसरों की कहानी तो हमने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज देखेंगे भी हमारे साथी रिपोर्टर्स के द्वारा किया गया एक नया स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें हम एक ऐसे ही भ्रष्ट सरकारी अफसर को बेनकाब करेंगे। ऑन कैमरा पहली बार। तुम टैलेंटेड हो। थैंक यू सर। मगर तुम्हारे पास सोर्सेस और रिसोर्सेस की कमी है, जो हमारे पास भरपूर है। क्यों ना तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, तुम एक जर्नल ज्वाइन करो और क्राइम डेस्क संभालो। थैंक यू सो मच सर। सर एक छोटी सी बात थी, मुझे आज़ादी से अपने हिसाब से काम करने मिले तभी मैं अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ। अगर तुम्हारी खबरें, तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारे स्टिंग ऑपरेशन लोगों को पसंद आते हैं और TRP अच्छी आती है तो तुम्हें पूरी आज़ादी है। कामयाबी मिली तो तुम्हारी है, मगर TRP गिरी तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। हेलो हेलो सर, सर मैं और विशेष पुलिस के साथ हैं अभी। सर आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग अभी ऐसी जगह पर हैं जहां पर पुलिस अभी रेड करने वाली है। सर एक अवैध दारू की भट्टी है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, सर क्या हम लाइव जा सकते हैं? तुम फुटेज लाओ, एडिट करो और मुझे बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि इसे टेलीकास्ट करना है या नहीं। सर मैं विशेष, तू शूट कर। हमने तुम्हारे अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर अपना भला चाहते हो तो हथियार डाल दो और चुपचाप से बाहर आ जाओ। अब देखना यह है कि ये अवैध दारू बनाने वाले वाकई में सरेंडर करते हैं या नहीं। सर मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है, सर प्लीज चेक कीजिए। सर यहाँ सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक है सर, सर बहुत बड़ी न्यूज है, आप मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज इस न्यूज को लाइव चलाइए। सर मेरा यकीन कीजिए, हमारी ऑडियंस पूरा कवरेज सांस रोक कर देखेगी। प्लीज सर। ठीक है, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करवाता हूँ। सब काम रोको, विप्लव को लाइव कनेक्ट करो। यस सर। विप्लव तुम लाइव जा रहे हो, 5 4 3 2 1 गो। इस साल ना फसल बहुत अच्छी हुई है, बस मंडी में अच्छा दाम मिल जाए। अबे वो चंदू के बच्चे, तेरे को बोला था ना कि घर और जमीन बिल्डर के नाम कर दे। हमारे पुरखों की जमीन है, हम किसी को नहीं बेचने वाले। तू ऐसे नहीं मानेगा? नहीं तो सर घर से अलग कर दूंगी। हमसे दुश्मनी बोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वेलकम यार, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे लाइव कवरेज से अपना चैनल एकदम हिट हो गया। अरे सबकी जुबान पे सिर्फ अपना नाम है। सर मैं इस न्यूज चैनल की गेम को समझ गया हूँ, TRP क्या होती है, कैसे आती है, कि जान गया हूँ। अब चिंता मत कीजिए, अब हमारे चैनल की रेटिंग कभी कम नहीं होगी। चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें नई नई जन्मी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 70 में से। सर आप जो न्यूज देख रहे हैं ना, ये हर दूसरा न्यूज चैनल दिखा रहा है। सर मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज है, जिसे देखकर हमारे दर्शकों में सनसनी पैदा हो जाएगी। ठीक है, मगर खबर में दम होना चाहिए, भरोसा रखिए। ये कोई शमशान नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां एक किसान की लाश जल रही है, और इस लाश को किसी चंदन की लकड़ी पर नहीं लिटाया गया है, और ना ही उसका अंतिम संस्कार करके उसे इज्जत से विदा किया गया है। इसे देखकर तो लगता है कि पहले इसे मारा गया, फिर उस पर कैरोसिन डालकर उसे जलाया गया। हो ना हो ये उन्हीं भूमि माफियाओं का काम है जो गरीब का घर उजाड़ कर वहां पर अपना मल्टीप्लेक्सेस बनाना चाहते हैं। देख रहे हैं आप, हमारी पुलिस भी फिल्मों की पुलिस की तरह है, जो सब कुछ खत्म होने के बाद पहुंचती है। इस पूरे एरिया की तलाशी लो, जल्दी। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ जल्दी, और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। क्राइम सीन से दूर रख, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए।
आ गए आप? आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? हमें तो फोन कॉल आया। आप लोगों को किससे खबर थी? यहाँ के लोग पुलिस से ज्यादा हम ईमानदार पत्रकारों पर भरोसा करते हैं। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? बिल्डर के लोग जमीन बेचने के लिए हमेशा उनको धमकी देते थे। इन्होंने मना कर दिया तो इन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। मुझको लगता है उन्होंने ही मेरे पति को मार डाला। इनसे नाम और नंबर लो और उसे उठा के लिखे। नहीं सर, उसकी हत्या के समय तो हम पास वाले शहर में अपनी भाई की शादी के लिए गए होते। आप किसी से पूछ लीजिए सर। उस बिल्डर का नाम क्या है? सुरेंद्र अग्रवाल। हमने सुना है कि आप चंदू की जमीन में काफी इंटरेस्टेड हैं। मैं मानता हूँ, मैं चंदू की जमीन खरीदना चाहता था सर। मैं व्यापारी आदमी हूँ, हत्यारा नहीं हूँ। चंदू की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जब उसकी हत्या हुई तब तो मैं यहाँ था भी नहीं। सर, बिल्डर के जिन लोगों ने चंदू को धमकी दी थी, वो लोग चंदू के मर्डर के टाइम वाकई में शहर से बाहर एक शादी की बारात लेके गए थे सर। ये नहीं, वहाँ की फोटोज। शादी में मौजूद कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है सर। या तो इस बिल्डर ने इस क्राइम को बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया है, या फिर ये क्राइम किसी और ही ने किया है, लेकिन आखिर वो है कौन? नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुझे अपने दर्शकों से सीधी बात करने का मौका मिल रहा है। और आप सबसे विनती करता हूं कि आप अपने दुख और गुनहगारों से हो रही परेशानियों को बयां करें। हमारे पूरे प्रदेश में, शहर में, गांव में गुंडों, भूमि माफियाओं और शराब के ठेकेदारों ने आतंक मचा रखा है। बेटियों का रेप कर रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं और आज की नई पीढ़ी को ड्रग्स में बहका कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जहरीली शराब की वजह से मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। मैं उनके गुनहगारों से बदला लेने के लिए उन्हें किसी बंदूक से शूट नहीं करूंगा, बल्कि अपने कैमरा और अपने माइक की मदद से शूट करूंगा। उन गुनहगारों का नकाब उतारूंगा, उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, उनको नंगा कर दूंगा। बस इस लड़ाई में मुझे आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी। विप्लव के शो को बहुत कामयाबी मिल रही थी। लोग बड़े विश्वास से कहने लगे, सच की ताकत मतलब विप्लव का शो। लोग विप्लव का शो सिर्फ देखते ही नहीं थे, बल्कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेने लगे। दूसरी तरफ पुलिस की चंदू मर्डर केस में बुरी तरह से किरकिरी हो रही थी। बड़ी मशक्कत के बावजूद केस क्रैक नहीं हो रहा था। और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस की सारी तफ्तीश को सर के बल खड़ा कर दिया। जब मुझ पे और मेरी पत्नी पे हमला हुआ तो एक पल को तो लगा कि ये संघर्ष, ये आंदोलन सब छोड़ दूं। ऐसा काम करके क्या फायदा जिसमें मेरे परिवार की जान को जोखिम है। तो इस जानलेवा हमले से बच के मैं वापस आया इस शो के लिए, आप सबके लिए। मेरा परिवार मेरे साथ है। क्या आप मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे? आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोगों ने जब एक इंसान को बाल्टी लेकर उनके इस कुएं की तरफ पानी भरने जाते हुए देखा तो उसे पीट पीट कर बेरहमी से लहूलुहान करके मार डाला। इस बेचारे को पानी तक नसीब नहीं हुआ, बल्कि इसका खून पानी की तरह बहाया गया। क्या एक इंसान को अपनी बेटी के लिए पानी लेने का भी हक नहीं है? यहां भी उनकी ऊंच नीच आड़े आ गई। क्या यही हमारे समाज की इंसानियत है? क्या हम ये वो रिपोर्टर विप्लव है ना, इसके सोर्सेस कुछ ज्यादा ही फास्ट है। राठौर, आसपास चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं। सर, सबूत या सुराग खोजकर क्या मिलेगा आपको? हमारे समाज में तो ये सदियों से चला आ रहा है। जाइए, जाकर पहले उस इंसान को ढूंढिए जिसने ये जाति भेद बनाया। मुझसे ही गलती हो गई साहब, जो मैंने उन्हें ऊंच जात वालों के कुएं पे पानी लाने भेजा। मैं चली जाती तो शायद औरत समझ के थोड़ी दया तो दिखाते। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे गलती हो गई। ये विक्टिम की विधवा,
सारा आरोप अपने पर ले रही है क्योंकि उसने अपने पति से कहा था उस कुएं से पानी लाने के लिए। ये विप्लव बिल्कुल ठीक कहता है, ये ऊंच नीच जातिवाद हमारी सोसाइटी में नासूर बनकर फैला हुआ है। इस एरिया के जितने भी नेता है उन्हें बुलाओ, उनके हलक से सच निकलवाओ। सर, हमारे घर में तो नल का पानी आता है, कुएं का पानी पीना हम लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया था। सर, उस कुएं पे तो कोई जाता भी नहीं है, और सर जब से ये नया कानून आया है ना, हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं ऐसा करने की। तो फिर ये खूनी है कौन कर सकता ऐसी हरकत? सर, आप भी जानते हैं कि किसी क्राइम के पीछे कोई मोटिव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। अगर जाति प्रथा जो है मोटिव नहीं है तो फिर मोटिव क्या हो सकता है? दरअसल इस जर्नलिस्ट की वजह से इस केस ने इतना तूल पकड़ लिया है, जहां भी जाओ बस उसी के बारे में बातें हो रही है। होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए कुछ भी करो लेकिन उसे पकड़ो जल्द से जल्द। सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन ना ही कोई गवाह है ना ही कोई सबूत। इनफैक्ट वहां पर सीसीटीवी कैमरे। इनफैक्ट आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस, आई वांट द कल्प्रिट्स एट द अर्लीस्ट। इज इट क्लियर? यस सर। सर, बिरसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, शरीर पर बहुत सारे चोटें हैं, रिब और स्कल फ्रैक्चर हुए, इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हुए हैं। सर, एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हार्ट फेल हुआ और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। हथियारों के बारे में कुछ पता चला? सर, कोशिश जारी, हमें जातिवाद के अलावा दूसरे एंगल्स में भी काम करना पड़ेगा। सर, ये भी तो हो सकता है कि बिरसा की किसी से दुश्मनी हो और उसने इस जाति प्रथा की आड़ में बिरसा की हत्या कर दी। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमारी नजर से ओझल है। एक काम करते हैं, दोबारा से क्राइम स्पॉट पे चलते हैं और देखते हैं क्या। आई एम श्योर हमसे उस दिन कोई ना कोई चूक हुई है, कुछ ना कुछ है जो हमसे मिस हुआ है। अब की बार अच्छे से चेक करना, दूर दूर तक चेक करना। चेक कर। सर, क्या हुआ? ये देखो टायर मार्क्स। सर, देख के तो लगता है शायद टू व्हीलर के टायर मार्क्स है। फॉरेंसिक टीम को बुला, इस पूरे एरिया की मैपिंग करा। इस टायर मार्क के जरिए हम लोग बाइक तक पहुंच सकते हैं। कच्चे धागे से भी आसमान को जकड़ के रखा जा सकता है, बशर्ते शिद्दत से कोशिश की जाए। इस केस में पुलिस ने वही किया, छोटा ही सही, लेकिन पुलिस को एक ऐसा एविडेंस मिला जिसके सहारे पुलिस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश करने लगी। उधर विप्लव के शो में खुद कलेक्टर ने आके माफी मांगी, शबरी और उनके बेटे माहूद को कॉम्पनसेशन देने का ऐलान किया। इस घटना के बाद विप्लव की लोकप्रियता और बढ़ गई। पुलिस की पैनी नजर हर खबर, हर संदिग्ध और हर हादसे पर थी। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी प्रतीक्षा तो सभी कर रहे थे, पर उससे निकलने वाले सच को हजम करना सबके बस की बात नहीं थी। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? अंकल, मैं आपको धन्यवाद कहने आई थी। अरे, पर किस लिए? आपने मुझे और मेरी माँ को इंसाफ दिलाया, इसलिए। सर, फॉरेंसिक टीम ने क्राइम स्पॉट में मिले टायर के निशान की जांच की। उन लोगों के मुताबिक वो किसी 150 सीसी बाइक के टायर के निशान है। सर, हमारा जगदलपुर शहर बहुत छोटा है, इसीलिए 150 सीसी की लगभग 55 बाइक ही रजिस्टर्ड है। सर, उनमें से 15 बाइक से भी चलने के लायक है ही नहीं, बाकी बचे 40। 40 बाइक में से 10 लोग ऐसे हैं जो उस दिन या तो शादी के सिलसिले में या किसी और कारण से बाहर गए थे। अब बचे 30। 30 में से 29 लोगों से हमने पूछताछ की है, सबके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई अलिबाई है। और वो एक सर बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। क्या नाम? तेरी बाइक वहाँ पर क्या कर रही थी? सर देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। तेरी बाइक है वहाँ पर क्या कर रही थी? सर, संदेश वाहक को संदेश के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। सर, वो बाइक आपके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जी हाँ, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और हम दोनों उसी बाइक से रिपोर्टिंग करने वहाँ गए थे। वैसे आपको वहाँ हमारी जूतों के छाप भी मिले होंगे, इसका मतलब हम दोनों खूनी है। वहाँ तो आपकी जीप के टायर के निशान भी मिले होंगे, आप लोगों के जूते के छाप भी मिले होंगे, इसका मतलब आप लोग खूनी है। सर, अभी तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम आपको इससे कोई पूछताछ करनी हो तो पहले मेरे वकील से बात कीजिएगा। सर, एक पक्की खबर मिली है, आधे घंटे में मंगल सेठ के यहाँ डाका पड़ने वाला है। मेरे सोर्स ने दो लोगों को प्लान बनाते हुए सुना एक दारू के अड्डे पे। सर सोचिए,
अगर इसका लाइव टेलीकास्ट हमारे चैनल पे दिख गया तो लोग बाकी सारे चैनल को भूल जाएंगे। ठीक है, गो अहेड। पर सर ये मामला थोड़ा डेंजरस है, तो बड़ी टीम नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे एक छोटी टीम में जानी होगी। तो मैं और विशेष जाके पहले शूट करते हैं, अब बाकी की टीम को बाहर तैयार रखिएगा। और सर हमारे निकलने के 15 मिनट बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जयपुर से आए हैं, मंगल सेठ के चचेरे भाई ने पार्सल भेजा था, वापस जा रहे थे तो सोचा दे दूं। आप देख रहे हैं लाइव डकैती पहली बार। अभी अभी आपने देखा कितनी बेरहमी से उन्होंने उसके नौकर को मार डाला। आप देखते रहिए। भागने की कोई जगह नहीं है, पुलिस वालों ने तुम्हें घेर लिया है। अपने हथियार नीचे करो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर पुलिस का फुटेज अच्छे से मिल गया ना, लाइफ बन जाएगी हमारी। कोशिश कर, थोड़ा आगे जाके लेते हैं। विशेष, अरे पुलिस वाले पीछे हट जाओ, इससे जान से मार दूंगा। ज्यादा होशियारी नहीं है? नहीं 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 नहीं, बैग अंदर डाल। ये आप लोग कुछ कीजिए ना। बताने वाले थे। तुम्हारा सोर्स क्या है? सर मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा, पहले मेरे भाई को बताइए सर। सभी जगहों पर पेट्रोलिंग यूनिट्स का अलर्ट करो और नाकाबंदी करवा। चलो प्लीज सर, चल। सर इंतजार करते करते सुबह हो गई है, मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं चला है। सर उन डकैतों को और मेरे भाई को जमीन निकल गया, आसमान खा गया। आप आइए हमारे साथ। विशेष, 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 आगे कौन? विशेष। मैं सीधा शमशान से आ रहा हूं, अपने छोटे भाई विशेष का अंतिम संस्कार करके। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ विशेष का है। मैं जानता हूं कि वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम सब उसे याद रखेंगे कि उसने अपनी कर्मभूमि पर जान दी, एक डकैती को लाइव शूट करते हुए वो शहीद हो गया। सर लोगों में आक्रोश बहुत है, इन कॉल रिकॉर्ड से सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। सर सर विशेष मर्डर केस में आगे क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन जारी रखना है। और हम लोगों को क्या जवाब देंगे? देखो अब की बार हमारे पास अलिबाई है, पत्रकारों को इन्फॉर्मेशन पहले मिली, हमें बाद में मिली थी। लोग इमोशनल हो रहे हैं, इसलिए लॉजिक नहीं देख पा रहे, और हमें टाइम की जरूरत है। ये वजह देकर हम टाइम बाय कर सकते हैं। दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने घेराव बना दिया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। दिव्या, ये सर सुंदर नगर में डकैती हुई है, वी आर गोइंग लाइव विद विप्लो। ओके सर। 5, 4, 3, 2, 1, गो। अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारे शहर के सुंदरनगर इलाके में डकैती हुई है, और अब हम आपको सीधे घटनास्थल पर लिए चलते हैं जहां मौजूद है हमारे क्रांति दूत विप्लव। मैं जिस घर के बरामदे में खड़ा हूँ, अभी अभी एक डाका पड़ा है जिसमें घर के मालिक की हत्या की गई है, उसकी पत्नी का रेप हुआ है, घर के गहने पैसे लूटे गए हैं, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, शहर में आम आदमी के जानो माल का कोई भरोसा नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक आदमी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूट हुई है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, और ये देखिए यहां उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आज फिर मेरा एक सवाल है, हमारी पुलिस कहां है? शहर में हर दिन मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आखिर पुलिस कर क्या रही है? सर मेरा आपसे एक सवाल है। इन्वेस्टिगेशन के बाद? सर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही है, आप क्राइम सीन पे नहीं आ सकते। ओके सर।
फोरेंसिक टीम को बुलाओ, ये ब्लड स्टेन्स मार्क करो और चेक करो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशन, इसे देख रहे हैं, इसी कपल का बच्चा है। लकी था सर, अंदर सो रहा था इसलिए बच गया, पर न वो डकैत इसे भी मार देते। शहर में डाके पे डाके पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, ये बच्चे अनाथ हो रहे हैं। इस शहर में आम इंसान सुरक्षित क्यों नहीं है? ये वीडियो जब विप्लव ने अपने चैनल पर चलाया था तो विप्लव और विशेष कैमरामैन उन लोगों ने कुएं से स्टार्ट की शूटिंग और लाश तक पहुंचे। उनके बयान के मुताबिक उनकी बाइक इस तरफ पार्क थी, लेकिन फुटेज में देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का पार्क है। अब विप्लव जैसा एक्सपीरियंस रिपोर्टर लाश देखते के साथ ही शूटिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गए और यहां कुएं से स्टार्ट किया और लाश तक गए और टायर मार्क्स इस तरफ। लेकिन सर, विप्लव और विशेष अगर क्राइम होने के बाद वहां पहुंचे थे तो ऑपोजिट डायरेक्शन से क्यों शूट कर रहे थे? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब विप्लव और विशेष दोनों के दोनों क्राइम स्पॉट पे पहले से मौजूद थे। शक की तो गुंजाइश है सर। बट आई एम सॉरी सर, लेकिन विशेष रिपोर्टिंग करते हुए शहीद हो गया था, क्या उस पर शक करना सही होगा? वो डिकॉइड्स के बारे में कुछ पता चला? सर कोशिश जारी है। आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या एड्रेस? ठीक है, हम पहुंच गए सर। कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को बंधक बना लिया है। लोकेशन? रिंग रोड मंदिर के पीछे। सर, दो डकैत आए थे, बुजुर्ग महिला अपने कमरे में थी, घर के नौकर ने कंट्रोल रूम में फोन करके खबर की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन किडनैपर्स ने घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला को जो कि कैंसर पेशेंट है उसे बंधक बना के रखा है। और मैं आपको बता दूं कि वो कैंसर पेशेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है। सर विंडो पे कोई है? कागज फेंका। अभी अभी अंदर से एक चिट्ठी फेंकी गई है, देखते हैं वो क्या है। हमें यहां से निकल जाने का सेफ पैसेज दो वरना हम इस बुढ़िया को मार देंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त। सर हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और ऑप्शंस भी है, लेकिन अंदर एक बुजुर्ग महिला है, वो बीमार भी। अगर हम किडनैपर्स को पकड़ने का ऑपरेशन भी प्लान करें तो हो सकता है ये बुजुर्ग औरत ये ऑपरेशन और ये प्रेशर सह ना पाए। सर फिर से कोई आया? लगता है किडनैपर्स की तरफ से फिर से कोई डिमांड आई है। हम जब तक पता करते हैं कि उनकी डिमांड क्या है, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। सर हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन वो लोग नेगोशिएट भी तो नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा आखिर चाहते क्या है। सर ये विप्लव है ना, ये अंदर कैसे पहुंचा, क्या हो रहा है? किडनैपर ने उस बुजुर्ग महिला को छोड़कर हमारे रिपोर्टर विप्लव को बंदी बना लिया है। एक बुजुर्ग महिला की खातिर हमारे रिपोर्टर विप्लव ने अपनी जान दांव पर लगा दी है। होल्ड योर फायर, होल्ड योर फायर। आप देख सकते हैं इस वक्त हम किडनैपर्स की गाड़ी के पीछे हैं। हमारा रिपोर्टर को इसी गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। हेलो, हाँ, गांधीनगर से एक डार्क ब्लू गाड़ी निकली, उसमें दो किडनैपर्स हैं और एक हॉस्टेज। सभी जगहों पर जो है नाकाबंदी कर दो, ये किडनैपर्स निकलने नहीं चाहिए। ये देखिए गाड़ी को यहाँ पे रोक दिया गया है। अभी अभी गोली चलने की आवाज आई है गाड़ी के अंदर से। अब देखना यह है कि क्या हमारे रिपोर्टर को कुछ हुआ है या कोई और जख्मी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये तो विप्लव है, बिल्कुल सही सलामत, आप देख सकते हैं। आइए आप किडनैपर्स का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मैं सीधा कमिश्नर के पास जा रहा हूं FIR फाइल करके। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं विप्लव से सवाल पूछ सकता हूं। श्योर। एक बात बताइए, गाड़ी में ऐसा क्या हुआ था कि किडनैपर्स ने आपको छोड़ दिया? मुझे ले जाकर उन्होंने क्या हासिल किया? मैं एक फेमस जर्नलिस्ट हूँ, वो मुझे जहाँ भी लेकर जाते लोग मुझे पहचान जाते हैं और आपको खबर कर देते हैं, तो वो फंस जाते। लेकिन गोली चलने की आवाज़ तो आई थी। उन्होंने हवाई फायरिंग किया
आपको और मेरी टीम को दूर रखते हैं। आप तो घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, अचानक से घर के अंदर कैसे पहुंचे? वो बुजुर्ग महिला रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, और जहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था ना, मैं साफ देख सकता था कि उस बुजुर्ग महिला को एस्थमा का अटैक हुआ है, और मेरी टीम में एक रिपोर्टर को एस्थमा है, तो मैंने उसका पंप लेकर इंसानियत के नाते वो पंप उस महिला तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही बंधक बना लिया। आप चाहें तो मेरे टीम मेंबर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच। सर, सब्जी मंडी के पीछे वाली गली में एक पुराना मकान है जिसमें कार से कुछ नए लोग आए हैं। कार तो किडनैपर की कार जैसी है, बस नंबर अलग है, और वो कार घर के पिछवाड़े में खड़ी है। एक काम करता है, इसे अदालत में पेश करता है, अगर रिमांड नहीं मिलती है तो इसे जेल भेज दे। सर, चल चल। नहीं सर, चल। नहीं सर, पर जेल नहीं सर। सर, उनके हाथ बहुत लंबे हैं सर, वो मुझे जेल में ही मरवा देंगे। सर, मेहरबानी करके मुझे जेल मत भेजिए सर। तुझे हम बीच रास्ते में भगा भी सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए सर? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो तेरी आजादी की कीमत दे सके। ठीक है सर, बोल। मिस्टर विप्लव, आइए हमारे साथ। कहाँ आइए? आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किस सिलसिले में? देखिए, You are under arrest. चलिए कैमरा, 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 चलिए पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। देखिए सब बोलने वाले पीछे क्या होता है, हमारे साथ सब खोखला जाता है और ये सत्ता को डराता है। मैं शांत नहीं रहूंगा, छोड़ दो। देखिए किस तरह से सच का साथ देने वाले के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। अगर आप आज कुछ नहीं बोलेंगे तो आप कभी कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आज इस गलत के खिलाफ आवाज उठाइए और हमारा साथ दीजिए। अजय सर, व्हाट इज दिस? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पूरा मीडिया आपसे विप्लव के अरेस्ट की खबरें दिखा रहा है। सर, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया सर। पर ऐसा क्या मिल गया तुम्हें उसके खिलाफ? सर ये देखिए सर, शेखर की गवाही है मेरे पास, ये देखिए सर। नहीं सर, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आप लोगों के साथ बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? वो बुढ़िया पहले ही घबराई हुई है, कार में लेके जाओगे तो कहीं हार्ट अटैक से ना मर जाए। वो वैसे ही मरने की कगार पे है, अगर वो मर गई ना तो तुम लोग का पकड़ा जाना पक्का है, और अगर बच गई तो जहां जाओगे बोझ बनी रहेगी तुम लोगों पर। तो क्या करें? बुढ़िया की जगह मुझे बंधक बना लो, लोग बड़े चाव से देखेंगे। पर आप अंदर आएंगे कैसे? मैं अपनी टीम को दिखाऊंगा कि मैं एस्थमा पंप देने के बहाने तुम लोगों के पास जा रहा हूँ, और जब मैं वहां आऊं तो तुम लोग मुझे अंदर ले लेना। मरवाओगे सालों तुम लोग, लेके चलो मुझे। किडनैपर की बातों पर कौन विश्वास करेगा? हैसियत क्या है इसकी? इसके अलावा आप और कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं सर। तुमने बहुत जल्दबाजी में कदम उठा लिया। I'm sorry सर। ऊपर से ऑर्डर है कि तुम्हें और तुम्हारे टीम को इस केस की इन्वेस्टिगेशन से तुरंत हटाया जाए। सर मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। अगर विप्लव के खिलाफ मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मैं पर्सनली अपोलोजाइज करूंगा सर, प्लीज। फिलहाल तुम शांत बैठो, आगे जो भी करना है वो मैं करूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। मशहूर जर्नलिस्ट विप्लव को हमने अरेस्ट नहीं किया था, कुछ जरूरी पूछताछ थी उसके लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया था, लेकिन इसकी डिटेल्स हम अभी आपको नहीं बता सकते। सही वक्त आने पर सारी बातें सबके सामने रख दी जाएगी, तब तक विप्लव फ्री है, आजाद है। पापा आप बहुत स्ट्रांग हो, मेरे हीरो। मुझे मेरे परिवार से यही उम्मीद थी, लेकिन पुलिस ने जो मेरे साथ किया उनसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोगों का असली चेहरा सामने ला रहा हूँ, उनके गुनाहों की दास्तां सुना रहा हूँ।
आप भी एक बार, बस एक बार अपनी आंखें खोलकर देखिए, आपको अपने आसपास हर जगह माफिया नजर आएंगे। सैंड माफिया, दूध माफिया, पानी माफिया और ना जाने किस किस तरह के माफिया। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं और मैं मरते दम तक इन सारे गुनहगारों का चेहरा सामने लाता रहूंगा। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। बचा! सर मुझे बचाइए, ये पागल मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें मार दूंगा, चल घर चल। नहीं नहीं, क्या हो रहा है पुरुषोत्तम, चल चलो। रुकाई मेरी, मेरे पीठ पीछे नैन मटक क्या करती है, आप बोलो छोड़ो, चल। अबे एक चांस पीछे, चल चल इधर चुपचाप, इधर आ। ए तू भी चल, अपनी बंदूक और फोन टेबल पर रखो चुपचाप। शेखर को खोलो नहीं तो एक एक को घूम लूंगा। ए नाटक क्या कर रहा है, बोल उसे जल्दी। चल शेखर चल, जल्दी भाग यहाँ से। जल्दी भाग, गाड़ी की चाबी किसके पास है? मिलना नहीं, होशियारी नहीं, समझा ना। चल चल चल, आप यहाँ से अलग रास्ते निकल जाइए, पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ी होगी, ठीक है ना। हम उन्हें हाईवे की तरफ ले जाकर चकमा देते हैं, आपको पता है ना कहाँ जाना है। वो कैसे बच गया? मजाक मत करो यार, तुम्हें लोगों ने तो पूरा प्लान किया था ना पुलिस स्टेशन से चुराने का। नहीं नहीं, हम लोगों ने नहीं किया। सीधा ऊपर जाओगे, नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठ, हाथ ऊपर। सर यहाँ तो ड्रग्स भरे पड़े हैं। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। किसके लिए काम करता है बोल, किसके लिए, किसके लिए काम करता है बोल। सिर्फ शेखर ही नहीं बल्कि सारे क्रिमिनल्स ने कबूल कर लिया है कि तू ही उनका सरगना है, तू ही लीडर है उनका, और तेरे ही कहने के ऊपर वो सारे क्राइम्स किया करते थे। और सिर्फ यही नहीं, तूने अपने भाई का भी कत्ल करवाया। मंगल सेठ के घर डकैती का प्लान भी तेरा ही था। तेरे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं, कॉल रिकॉर्ड्स। अब तू अपना मुंह सीधा सीधा खोलेगा या मार खा के खोलेगा? मैं किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता था सर, कामयाब होना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने टेढ़ा रास्ता अपनाया। अपने भाई विशेष और क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिला के डकैती और खून प्लान करने लगा, तो कभी पेशेवर लोगों से करवाया और पुलिस से पहले वहाँ पहुँच कर ताज़ी खबर देने के नाम पे खुद के ही क्राइम की रिपोर्टिंग करने लगा। पर जब आप लोगों को विशेष पे शक हो गया तो वो डर गया था और वो ये काम छोड़ने की बात करने लगा। अब और इस काम में शामिल नहीं होऊंगा, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसलिए मुझे विशेष को मारना पड़ा। मैं उसे एक आखिरी रिपोर्टिंग करने के बहाने ले गया और उन क्रिमिनल से मिली भगत करके विशेष को उनके हाथों मरवा दिया। वो गिरा नहीं था, मैंने उसे धक्का दिया था। उसकी मौत के बाद तो मैं और बड़ा पत्रकार बन गया था सर, लोग मुझे हीरो समझने लगे थे। सोचा था इनसे जातिवादी झगड़ों को हवा मिलेगी और हमें और फायदा मिलेगा। तुझे तो हम तेरी सही जगह पर पहुंचाएंगे, तेरे लिए दूसरों का दुख दर्द तकलीफ इनफैक्ट मौत भी सिर्फ एक खबर थी। और जब तुझे फांसी होगी ना तो सिर्फ खबर नहीं बनेगी बल्कि त्योहार मना जाएगा, झूठ पर सच की विजय का जश्न मना जाएगा। जब कामयाबी इंसानियत से बड़ी हो जाती है, जब शोहरत रिश्तों से ज्यादा कीमती हो जाती है, तब मासूमों की जिंदगी सस्ती और मौत सिर्फ सनसनी बन के रह जाती है। समाज में कोई भी गुनहगार बनता है तो उसमें समाज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। विप्लव के केस में भी ऐसा ही हुआ, उसने मार्केट में सब पर हावी होने के लिए झूठ का सहारा लिया ही, साथ ही मासूमों की जिंदगी के साथ खेल के उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सबूतों को इकट्ठा करके केस को पुख्ता बनाया और विप्लव को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए इसकी व्यवस्था की। पर ऐसे कई सारे विप्लव अभी भी हमारे समाज में अलग अलग प्रोफेशन में है। जरूरी है उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि गलत तरीके से हासिल की हुई कामयाबी आखिर फांसी के फंदे या जेल की दीवारों के पीछे पहुंचा देती है। आज हम देखेंगे एक ऐसा केस जिसमें अपराधी पुलिस के सामने बैठकर शतरंज का खेल खेल रहा था और वो हर कदम पर पुलिस को मात दे रहा था। थोड़ा जोर से सांस लीजिए। विक्रांत जी, शराब पीना छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ना पड़ेगा मंजे? अरे डॉक्टर साहब छोड़ दिया,
आज से, अभी से। लेकिन ना आप ये इन्फेक्शन का कुछ कीजिए बस। विक्रांत जी, आपका इन्फेक्शन काफी बढ़ चुका है। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, पद्मा लैब से करवा लीजिएगा। अगर इन्फेक्शन ज्यादा ही बढ़ गया ना, तो फिर बाहर से इंजेक्शन का कोर्स मंगवाना पड़ेगा, जो आपको तकरीबन 2 लाख का पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या गरम गरम वड़ा पाव आपल्या नाक्यावरचा आहे, एकदम फेमस। जगत, 2 कडक चहा घेऊन ये पटकन। जा डॉक्टर साहेब, वड़ा पाव। ये जंक फूड भी आज से बंद। देखिए, अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए आप। अभी देश के लिए आपको बहुत कुछ करना है। चलिए, ये भी ठीक है। यार, ये जब से मेट्रो का काम चालू हुआ है ना, इतना ट्रैफिक जाम लगता है। 5 मिनट का रास्ता था, आते आते 1.5 घंटा लग गया मुझे। छोड़े से क्या होता जी? इधर। अरे आना तू। नीरज, कहाँ लेके जा रहा है? इधर इधर इधर। आपने कहाँ? ना इधर। कहाँ लेके? रुक रुक, क्या है? ओह माय गॉड, नीरज, नीरज, ये तो मेरा अस्पताल है यार, मेरा सपना। पर नीरज, इसमें तो सिर्फ मेरा नाम है, तेरा नाम नहीं है। छोड़ ना यार, सपना तेरा था ना। पर यार, इसमें थोड़ा सा खर्चा मुझे लगता है। अरे यार, तू चल मेरे साथ। अरे, ये 5 लाख रुपए हैं, इसे ट्रस्ट में जमा कर ले। यार, अब सपना देखा है तो इसे पूरा भी जरूर करेंगे। मैंने भी 30 लाख का इंतजाम कर लिया है, कल परसों तक आ जाएगा। वाह। अरे नीरज, 11 बज गए यार, मैं कैंप के लिए लेट हो रहा हूँ, चल बाद में मिलता हूँ। अरे बाय 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 बाय। ये दवाई आपको लिख के दे रहा हूँ, दिन में 3 बार लेनी है। ये दवाई दे दो ब्रजेश। डॉक्टर साहब, जब अपना बड़ा अस्पताल बनेगा तभी ये फ्री वाला कैंप चलता रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि तब लोग यूँ धूप में नहीं खड़े होंगे, बल्कि हमारे हॉस्पिटल के कंपाउंड में कैंप लगा रहेगा। फिर डॉक्टर साहब, मेरी पगार भी बढ़ेगी ना? मैं काम करूंगा, तुमको ना सारे वार्ड बॉय का इंचार्ज बना दूंगा, तुम्हारी अपनी कुर्सी होगी और सैलरी भी डबल। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है डॉक्टर साहब। अभी काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। 1 मिनट। हेलो, क्या रे? डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, सुंदर बीवी को घर पे अकेला छोड़ गया। सॉरी, कौन बोल रहा है? 15 लाख का इंतजाम कर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तेरी बीवी किचन में अकेली है, आज पिंक साड़ी में, कल ग्रीन में थी, पैसे नहीं दिया ना, सफेद चादर में होगी। देखो, जो कोई भी हो तुम, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं, तुम्हारा फोन मत करना मुझे। The number you are trying to call is currently busy. सिलाई कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। आई, मैं दवा खा ली, अभी ठीक हो जाऊंगी। अरे तू भी ना, बिल्कुल अपने आई की तरह है। तभी तो उनकी तरह मेहनत करती हूँ। हाय, पालक पनीर बना रही हूँ। अरे कल रात को दूध फट गया था ना, तो सोचा पनीर बना दूं। हाँ हाँ हाँ, हो आई। पालक को उबाल कर ठंडे पानी में डाल दिया। अरे कितना सिखाओगी आप? हाँ हाँ पता है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ Thank you.
मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया दोनों के साथ? बोल नहीं तो जान से मारूंगा तुझे। सतीश, ये क्या कर रहे हो तुम? अनु, तुम ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक हो? हाँ, मैं, ये कौन है ये? सतीश, ये इलेक्ट्रिशियन है। फ्रिज का पॉइंट खराब हो गया था, इसलिए मैंने नया बनवाने के लिए बुलाया। तुम ये दो। I'm sorry. ठीक हो ना तुम? हाँ। चलो। सतीश, मैं घर पर अकेली थी और वो इलेक्ट्रिशियन भी घर के अंदर था, तो मैं दरवाजा खोल के रखा था। सतीश, संभल के। क्या? देखो, मुझे एक अननोन आदमी का कॉल आया था। 15 लाख का इंतजाम कर। अनु, हमें सतर्क रहना होगा। देखो, ये चाकू हमें बाहर सोफे के कुशन के नीचे रखना है, इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद। अनु, देखो, तुम डरो मत, मैं एक बार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। और मेरे पीछे से कोई भी घर में आए, दरवाजा मत खोलना, ओके? डरो मत तुम। मुझे पापा चाहिए। जीना, जीना। अगर आ नहीं सकते तो झूठ मूठ के वादे तो मत किया करो। यहाँ मुझे अकेले जिनल को संभालना पड़ता है। अच्छा, तुम तो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हो ना? अब कौन सी इमरजेंसी आ गई सतीश? अनु 8 साल का बच्चा है, 5 बार उल्टी कर चुका है, बहुत गरीब लोग हैं, मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाओ। काम हो गया है, लेकिन उसे आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अनुजी, ध्यान से सोचकर बताइए, क्या डॉक्टर साहब का किसी से इन बिटवीन झगड़ा हुआ था, या उनकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, वो तो दूसरों के लिए जीते थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। एक काम करते हैं, हम आपका फोन टैपिंग पर डालते हैं, हो सकता है आपको इस बीच कोई रैंसम कॉल आए। अगर ऐसा होता है तो उस धमकी भरे कॉल को हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप घर जाइए, डोंट वरी, मिल जाएंगे डॉक्टर साहब। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कमला, एक बार फिर सोच लो, शहर से बाहर जाकर उन लोगों से मिलना ठीक नहीं है। आई साहिब नाम है मेरा, शहर चलाती हूँ, और ये शौक के लिए नहीं पाल रखी, जब जी चाहे किसी के सर पर रखकर ठोक सकती हूँ, और आइंदा घर से निकलते वक्त टोकने का नहीं। चले दत्ता, गाड़ी काट, बात मैं करूंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। वो हमारे इलाके में नहीं आएंगे और हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे, समझे? आई साहब, फालतू में परेशान हो आप, मैं हैंडल कर लेता ये मैटर। अच्छा, कैसा हैंडल करता? जाकर सीधा बोलता, वो बोरियो लेके आगे तुम्हारा और इधर का हमारा। गाड़ी में तो तेरा आवाज नहीं निकल रहा, उधर 3 गैंगस्टर के सामने तू क्या बोलता? साला तू भी तेरे बाप पे गया है, मोटा बुद्धि और डरपोक। राज करने के लिए ताकत की नहीं, जिगर और दिमाग की जरूरत होती है, जो ना तो तेरे पास है और ना तेरे बाप के पास। क्या रे दत्ता, बाप मर गया क्या तेरा? तेज चला गाड़ी। जी आई साहब।
गाड़ी क्यों रोक रहे दत्ता? शंकर कहाँ? क्या कर रहा है शंकर? तू बंदूक नीचे कर। ऐसा अब आपने बोला था ना, राज करने के लिए जिगर और दिमाग की जरूरत होती है, तो ये रहा जिगर और ये रहा दिमाग। आई साहब खत्म, आज से भाऊ साहब का राज शुरू। भाऊ साहब, अब से आप इस शहर के भाऊ साहब। मैडम, रात 10:46 पे डॉक्टर सतीश को एक कॉल आया था, कोई नया नंबर था, सिर्फ डॉक्टर को कॉल किया गया था। इसका मतलब ये प्लान किडनैपिंग है माथुर, लेकिन अगर ये प्लान किडनैपिंग है तो कोई रैंसम कॉल क्यों है? कुछ पता चला कॉल की लोकेशन क्या थी? शकीलपाड़ा, पूरा चौल एरिया में। वहाँ पर चेक करो। जी मैडम। मैडम, डॉक्टर सतीश ने रात 11:40 पे कॉल किया था। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ जल्दी से आ जाओ। उसके बाद डॉक्टर का फोन बंद हो गया। लास्ट कॉल किसको गई थी? हम नंबर की डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ये देख शंकर, खाता में कुछ गड़बड़ है, मुझे कमला से बात करनी। मुझे बताओ, आई साहब किससे बात नहीं करना चाहते? ऐसे कैसे, कमला कहाँ है शंकर? भाऊ साहब, बाप हूँ इसका और कमला मेरी बीबी है और मुझे अभी के अभी इसी समय बात करनी है। अपनी औकात में रहो, आई साहब यहाँ नहीं है तो एक चूहा शेर बन रहा है। पता है ना, आई साहब के फरमान पत्थर की लकीर होते हैं। अब जाओ यहाँ से, धारावी की वसूली करवाओ, हिसाब चाहिए मुझे। ए, प्रदीप की वसूली का क्या हुआ? 2 लाख रुपए दिए उसने, मेरे पास ही है। भाऊ साहब, मैं सोच रहा था कि दिवाली पे इस बार अपनी बाइकों को एक चसा मंगलसूत्र दूँ, और वैसे भी ना भाऊ साहब, अब सारा पैसा तो आपके पास ही आएगा, तो मैं सोच रहा था कि अब से वसूली में से 2% मैं रखता हूँ। अब आपको शंकर से भाऊ साहब बनाने में थोड़ा जिगर तो मैंने भी दिखाया था ना। इतना हक तो बनता है। तू बिल्कुल मेरे जैसा निकला रे। सही मौके की तलाश रहती है तुझे, हैं? हाँ सर। ठीक है, बना ले। मंगलसूत्र बनाना है ना? बना ले। और वो वीडियो डिलीट कर देना, किसी ने देख लिया तो अपने लग जाएंगे ना। जी बाबू साहब। अच्छे से बनाना। चल। मैडम, अनु से बात हुई। ये नंबर नीरज त्रिवेदी का है, डॉक्टर सतीश के बचपन का दोस्त। सतीश और नीरज साथ मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने वाले थे। एक काम करो, इस नीरज से पूछो कि 21 मार्च की रात को डॉक्टर सतीश ने फोन करके उसको क्या कहा था। मैडम, नीरज भी गायब है, उसका फोन भी बंद है और घर पे ताला लगा हुआ है। क्या? मैडम, बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, सिर्फ ये अंगूठी मिली है वहाँ आगे से। माथुर, क्या डॉक्टर सतीश की बॉडी हो सकती? कह नहीं सकते मैडम, बॉडी काफी जल चुकी है, हाइट या कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस नीरज का कुछ पता चला? 21 मार्च की रात को डॉक्टर सतीश से बात करने के बाद उसने 8 अलग अलग लोगों से बात की, सबके नंबर्स की डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिया। और एक बात मैडम, इस नीरज की वाइफ भी है। 30 लाख है रोकड़ा, वाइट करना है। हो जाएगा, लेकिन इस बार 30% लगेगा। क्या 30%? तुझे नहीं लगता तेरी भूख आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है? अरे मंत्री जी, आपकी उपज भी तो बढ़ती जा रही है, अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो आपकी ये फसल किस काम की? निकलूं? ये होने कैसे दिया तूने? सर, वो दूसरे अकाउंट में पैसे डालने थे, वो अकाउंट खुलने का वेट कर रहे थे, उसके बाद हमें आपके दिए हुए पैसे वापस मिलते। अरे अब पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, समझा ना, वरना तेरे शरीर का एक एक पुर्जा बेच दूंगा मैं। जगत, यहाँ साइन कर।
हेलो नेताजी, डॉक्टर सतीश की लाश मिली है। आपके पति पिछले 4 दिनों से मिसिंग है, आपने कंप्लेन नहीं लिखवाई, क्या हम जान सकते हैं क्यों? क्योंकि अब हम 7 महीने रहते, उनको डिवोर्स चाहिए था और कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा भी हुआ था। अगर आ नहीं सकते तो झूठ मूठ के वादे तो मत किया करो, यहाँ मुझे अकेले जिनल को संभालना पड़ता है। अरे कहा ना, काम में फंस गया था, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा मैं, ठीक है? अभी मुझे तभी फोन करना जब डिवोर्स के लिए रेडी हो। मुझे लगा वो गुस्सा है इसीलिए उन्होंने फोन बंद कर रखा है, मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है कि वो मिसिंग है। शाह जी, क्या आप कुछ ऐसा बता सकती हैं जिससे हमें केस समझने में मदद मिले? मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन अनु और सतीश काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और शायद कमी सतीश में ही थी। अनु, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? सतीश, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान। मैं बहुत थक गई हूँ, सो जाऊँ? आप भी सो जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या है, क्या आइडेंटिफाई करूँ इसमें? ये मेरे पति नहीं है। इसे पहचानती? ये तो सतीश का है। मैम, मुझे नहीं पता कि सतीश के साथ ऐसा कौन कर सकता है। नीरज, क्योंकि 21 मार्च की रात सतीश ने नीरज को कॉल किया था। एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहां जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद में नीरज की भी लास्ट लोकेशन वही थी जो सतीश जी की थी। पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बीच कोई झगड़ा चल रहा? नहीं मैडम, मुझे ऐसे किसी झगड़े के बारे में कुछ नहीं पता। अनु जी, आप और डॉक्टर सतीश बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे? ये क्या बोल रही हैं आप, इससे सतीश के मर्डर का क्या लेना देना? ये हमारी पर्सनल लाइफ है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अनु जी देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए डिफिकल्ट है, पर अब आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रही, हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। माथुर, कुछ तो हुआ है इस डॉक्टर सतीश के साथ जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। डॉक्टर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मार डालूंगी मैं तुझे। ए, कौन है तू? ए, ए, छोड़, क्या कर रही है? छोड़, छोड़। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? कहते मेरी बात सुनो। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, पर तू साले शैतान है, शैतान, छोड़ूंगी ना मैं, मार डालूंगी। अरे, अरे, अरे डॉक्टर साहब, सर आप जाइए, यहाँ से जाइए, मैं इसको संभालता हूँ। जब तक तेरी जान नहीं ले लेते ना। ए, बहुत हो गया, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, अब उसकी जिंदगी नरक ना बना दी ना तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मैडम, नीरज ने डॉक्टर सतीश के कॉल करने के बाद जिन 8 लोगों को कॉल किया था उन सभी से बात हो। नीरज ने उस रात उन सभी से पैसे उधार लिए थे। कितने पैसे? 65 लाख रुपए। 65 लाख? जी। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ इस केस में और डॉक्टर सतीश को आखिर क्यों मारा गया? थैंक यू नीरज, ये पूरे 65 लाख है, अब दोबारा कॉल मत करना मुझे। चल क्योंकि लाश तो हमें एक ही मिली थी, फिर नीरज कहाँ है? एक काम करो माथुर, सतीश के किसी ब्लड रिलेटिव को बुलाओ उसके डीएनए मैच करने के लिए। लेकिन मैडम, सतीश के पेरेंट्स की तो बहुत पहले डेथ हो गई थी और उसके कोई भाई बहन भी नहीं है। एक तरीका है कि डॉक्टर सतीश का, कौन सा ब्रश है, डायरी और ये सब फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। इसमें नाम, पता, फोन नंबर, फोटो सब है, और हाँ ये पेन ड्राइंग, ये ले लो। मैडम, सतीश के घर से उसकी डायरी मिली है, लेकिन इसमें कुछ अजीब सी एंट्रीज है। ये देखिए, 2/4/2018 12 नया समाज, 12/4/2018 5
ममता देवी 13/6/2018 सात मल्हार की लास्ट एंट्री सतीश के गायब होने से एक हफ्ते पहले की है। मैंने पता किया, ये सारे ट्रस्ट हैं जिसमें सतीश ट्रस्टी था, उसके सारे मेडिकल कैंप्स इन्हीं ट्रस्ट के अंडर होते थे। बस ये जो बीच के नंबर हैं ये समझ में नहीं आ रहे। ये शायद पैसे हो सकते हैं माथुर, 12 लाख या फिर 12,000। एक काम करो, इन सारे ट्रस्ट की बैंक डिटेल्स निकलवाओ और इस डायरी की एंट्री डेट से मैच करता है क्या देखो। जी मैडम। और डॉक्टर सतीश का क्लिनिक भी चेक करवाओ, हो सकता है वहाँ से कुछ मिले। ओके। सर ये लॉक है सर, तोड़ो। सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। का मतलब है अनु का अफेयर चल रहा था नीरज से और सतीश के बाद 13 मार्च को पता चलती है, उसके मर्डर से ठीक 8 दिन पहले। और मैडम ये लॉक ड्रॉअर से डीएनए मैच रिक्वेस्ट फॉर्म मिला है। किसका डीएनए मैच? पेशेंट का नाम पूजा गायकवाड़, रिक्वेस्ट डेट 14 नवंबर 2020 की है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने लैब का एड्रेस ले लिया है, फॉलो अप कर लेता हूँ। और मैडम वो वार्ड बॉय ब्रिजेश, उसको कुछ नहीं पता। 14 नवंबर 2020, तकरीबन 4 महीने पहले, मतलब रिपोर्ट्स तो आ ही गई होंगी। सर ये नहीं रिपोर्ट। What? मैडम वो लाश डॉक्टर सतीश की नहीं थी क्या? तो किसकी थी? कहीं नीरज की तो नहीं थी? इस केस में हो क्या रहा है माथुर? तेईस लाख है। बहू साहब पूरा हिसाब चुकता कर दिया। ठीक है। और सुन, कुछ चाहिए रहेगा ना तो बिंदास बोलना, इस बार ब्याज थोड़ा कम लगा दूंगा। जी। हिसाब क्लियर है इसका? हाँ बाबू साहब, ये 1.5 लाख मैं रख लेता हूँ। इसे फोरेंसिक भेजो और आसपास के एरिया अच्छी चेक करो, देखो बॉडी पार्ट्स बाकी कहाँ हैं। आप होश में तो है ना? अभी तक आप बोल रहे थे कि लाश सतीश की है और अब आप बोल रहे हैं लाश नीरज की है और सतीश उसे मारकर भाग गया है, क्योंकि सतीश को मेरे और नीरज के अफेयर के बारे में पता चल गया। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो डेड बॉडी सतीश जी की है। तो फिर सतीश कहाँ है? ये तो आप हमें बताएंगे। ये नंबर किसका? पिछले 3 महीने से लगातार आपकी इस नंबर पर बातचीत होगी। ये तो प्रदीप का नंबर है। प्रदीप कौन? चल तू मेरे साथ, मेरे साथ चल तू। प्रदीप ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहा है यार? तेरी इतनी औकात, तू मेरी बहन के साथ घूमेगा? प्रदीप हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरा प्यार गया भाड़ में। आगे से मेरे बहन के साथ वापस दिखा ना तो तेरे को यही पे गाड़ दूंगा। चल तू मेरे साथ। प्रदीप मेरा चचेरा भाई है। उसकी इस हरकत के बाद मैंने और सतीश ने भागकर शादी कर ली थी। उसने मुझे पिछले 3 महीने पहले कॉन्टेक्ट किया था। वो नासिक से मुंबई शिफ्ट हो गया और उसने अपना जिम भी खोला था जिसमें सतीश ने उसकी हेल्प की थी परमिशन दिलाने में और पैसों से रिलेटेड। तो अब आपके भाई साहब कहाँ पर हैं? वो वापस नासिक शिफ्ट होने की सोच रहा है। उसका जिम 1 महीने पहले ही बंद हो गया था। और आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। आप डिसाइड करेंगे। एनीवे प्रदीप से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपसे बात होती है तो उनसे कहिए आकर यहाँ पर मिले। जी माथुर, ये पूजा गायकवाड़ 14 साल की बच्ची है जो प्रेग्नेंट थी। मैं दवा खा ली, अभी ठीक हो जाऊंगी। हाँ मैडम,
डॉक्टर सतीश ने फेवर में काम करवाया था, फिटस का डीएनए करवाया था, इसलिए सिस्टम में डीएनए रिपोर्ट सेव नहीं की। लैब से बच्ची का एड्रेस मिला है। अरे भाई साहब, नरेश, शायद माइनर बेटी प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से पूजा के फादर ने सुसाइड किया। हो सकता है मैडम, लेकिन पहले पूजा और अभी गायत्री, ये भी कुछ दिनों से गायब है। हो क्या रहा है माधव, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हमारा सस्पेक्ट होता है वो गायब होता जा रहा है। अरे मैंने कम से कम छाया को डिवोर्स के लिए बोला तो है, तुम तो अभी भी सतीश की प्यारी बीवी बनकर घूम रही हो, ना पूरी तरीके से उसकी हो ना मेरी। चाहती क्या हो तुम? सुन, एक काम कर, चल निकल यहां से, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आया? खिलवाड़ लगता है तुम्हें सब? हाँ, जमन में आया फेर कर लिया, जमन में आया छोड़ दिया, खिलौना समझ रखा तुमने? मैं चाहूं ना तो चुटकियों में सड़क पे ले आऊंगा तुम सबको। पता है ना, सतीश का हॉस्पिटल बनाने का सारा फंड मेरे अंडर में, बर्बाद कर दूंगा तुम सबको, बता रहा हूं। यार अनु, इस हॉस्पिटल को बनाने में तो बहुत खर्चा आएगा। हाँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, सतीश और नीरज ने ट्रस्ट में काफी पैसा जमा किया है, और फिर सतीश की सारी एफडी की नॉमिनी भी मैं हूँ। लेकिन तुम हॉस्पिटल कैसे चलाओगे? ना तो तुम डॉक्टर हो और ना ही तुमने एमबीए किया है। कोई बात नहीं, तुम हो ना, हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल को चला लेंगे। अपराध वाली रात को असल में क्या हुआ था? गायत्री की प्रेग्नेंट बेटी पूजा कहाँ थी? कौन था उसके होने वाले बच्चे का बाप? डॉक्टर सतीश के लिए कई सारे सवाल उठ रहे थे, पर वो कहाँ थे किसी को नहीं पता। और सबसे अहम सवाल, वो कौन था जिसकी हत्या करके उसे जला दिया गया था? क्या वो नीरज था? यह सवाल का जवाब पुलिस को एक अलग ही दिशा में ले जाएगा, जिसकी कल्पना भी पुलिस ने अब तक नहीं की थी। मिश्रा जी, यहाँ अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, 25 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा। हाँ, ट्रस्टी से बात करनी है। मैडम, डॉक्टर सतीश का एक ट्रस्ट है, इसके जरिए वो फ्री मेडिकल कैंप्स लगाता था, जिसका सारा अरेंजमेंट मल्हार एनजीओ देखता था, जिसके बदले में ट्रस्ट एनजीओ को काफी पैसे देता था। इस मल्हार एनजीओ में किसी से बात हुई तुम्हारी? नहीं मैडम, कोई एड्रेस तो नहीं मिला, सिर्फ इतना पता चला है किसी जगत पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है। जगत पांडे, कहीं एनजीओ फर्जी तो नहीं? माधव, हो सकता है मैडम, जगत पांडे का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि बिजनौर के किसी किसान का बेटा है, बिजनौर की लोकल पुलिस ने उसके मुंबई का एड्रेस भेजा है। ठीक है माधव, तुम इस जगत पांडे से पूछताछ करो, हो सकता है कुछ मिले। और उस प्रदीप का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं मैडम, कभी वो काम पे लगाया। जगत पांडे जी साहब, मल्हार एनजीओ आप ही का? क्या क्या, ये जगत पांडे नेता विक्रांत शिंदे के यहाँ काम करता है? हाँ मैडम, पिछले 12 सालों से, उसे तो पता भी नहीं था कि वो करोड़ों का मालिक है। ये हमारे देश का सच, ब्लैक को व्हाइट कैसे करते हैं उसका तरीका। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सतीश ने नेता विक्रांत शिंदे से कोई पंगा ले लिया था? होश में तो इंस्पेक्टर, जानते हो किससे बात कर रही हो? एक फोन घुमाऊंगा ना मुंबई से सीधा चंद्रपुर ट्रांसफर, फिर करती रहना अपना इन्वेस्टिगेशन। मैं जानना चाहती हूँ आखिरी बार डॉक्टर सतीश से आपकी मुलाकात कब हुई थी? नेता इमी, यहाँ मुझे रोज बहुत सारे लोग मिलने आते, याद नहीं रखता मैं। अब जाइए, मेरी पार्टी मीटिंग का वक्त हो रहा है। थैंक यू सर, अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ। माथुर, नेताजी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी मैडम। और मैडम, वो पूजा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आखिरी बार उसे अपने घर पे 5 महीने पहले देखा गया था, उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी पता करवाया लेकिन वो कहीं नहीं है। एक काम करो मत, शहर के सारे आश्रम चेक करवाओ और गायनेक से भी बात करो। ओके मैडम।
क्या बात है, चाय पे चर्चा हो रही है? आपने हमें बताया नहीं अनु जी कि आपके भाई साहब आए? नहीं बताया, क्योंकि आप लोग इसे भी मेरे जैसे परेशान करते। आप शायद भूल रहे हैं, डॉक्टर सतीश के डेथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 21 मार्च को अपराध है, ब्रिजेश के साथ। अरे वाह, आपने तो रट्टा मार के रखा है। मुझे पता है आप लोग मुझसे क्या पूछेंगे, मैं तैयार हूँ, पूछिए। कौन से ब्रिजेश के साथ थे? डॉक्टर सतीश का वार्ड बॉय? हाँ, ब्रिजेश का भाई मेरे साथ जिम में ट्रेनर है, वहीं पे हमारी दोस्ती हुई। 21 मार्च को हम लोग एक बार में बैठे थे, ये रहा उसका सबूत। सर, एक फ्रॉड की FIR लिखवानी है। सर, मल्हार NGO में पिछले महीने एक ऑडिट हुआ, इंटरनल ऑडिट। उसमें पता चला कि 25 लाख रुपए डोनेशन के तौर पे आए। रिसीप्ट है पर पैसे अभी तक अकाउंट में जमा नहीं हुए। रिसीप्ट कब की है? 3 महीने पहले की। ये पैसे आई साहब के यहाँ से डोनेट हुए थे? हाँ सर, आई साहब का ही आदमी पैसे जमा कराने गया था। जिसने पैसे डोनेट किए उसी का आदमी जमा करवाने गया? नाम क्या था उसका? दत्ता नाम था उसका, उसी ने झोल किया होगा। 2 महीने पहले काम से निकाल दिया था मैंने उसे। कोई फ़ोन नंबर या एड्रेस? पुराना नंबर है उसका, वो दे देता हूँ, एड्रेस का नहीं पता। अच्छा, आई साहब से बात हो सकती है? किसी काम से बाहर गई आई साहब, आएंगे तो मैसेज दे देंगे आपका। नमस्ते। मैडम, कल एक लोकल NGO ने क्लिनिक पे रेट मारी, जिसके डॉक्यूमेंट्स में पूजा गायकवाड़ की डिटेल्स मिली। रेफरिंग डॉक्टर में डॉक्टर सतीश का नाम है। मतलब फोर्स्ड अबॉर्शन? जी मैडम। मतलब चुपके से फेटस का DNA कराना, उसके बाद में DNA रिपोर्ट का गायब होना। माइनर प्रेगनेंसी की पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं, और अभी फोर्स्ड अबॉर्शन। कहीं ऐसा तो नहीं मातुर की वो बच्चा डॉक्टर सतीश का ही था? डॉक्टर साहब, वो पूजा का बच्चा गिरा सकते हैं क्या? गायत्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 4 महीने हो चुके हैं डॉक्टर साहब, वो सिर्फ 14 साल की है। समाज की बदनामी और बच्चा, ये दोनों वो नहीं सह पाएगी। देखो, एक तरीका है, मुझे तुम्हारा और तुम्हारे पति का ब्लड टेस्ट करना होगा। क्यों? एक बीमारी होती है, मुझे ये चेक करना कि वो बीमारी तुम दोनों में से किसी एक को तो नहीं है, और अगर है तो आप लोग बच्चे का अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम दोनों आज ही खून दे देते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी होती है सर? शक की। मुझे इसके हस्बैंड का ब्लड चाहिए DNA टेस्ट के लिए। अरे मतलब आपको ऐसा लगता है कि पूजा के पापा ने ही पूजा वही का कंफर्म करना है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन बच्ची का बाप एक बार भी बच्ची के साथ नहीं आया। ए अरे चाय नहीं, वड़ा पाव घेऊन ये ना। हेलो सर। सर, जंगल से एक आदमी का सिर मिला है, चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि जानवरों ने बुरी तरह से खा लिया है। फोरेंसिक भिजवाओ और फोरेंसिक फेस रिकंस्ट्रक्शन टीम से 3D स्केच बनाना शुरू करो। यस सर। और सर, वो फ्रॉड वाला केस, ये दत्ता जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में था ये उनकी लिस्ट है। डॉक्टर सतीश पे अटैक क्यों किया था? क्या डॉक्टर सतीश के साथ तुम्हारा अफेयर था? क्या बकवास कर रही है आप? मैडम, पूजा कहाँ है? तुम्हारे चुप रहने का कोई फायदा नहीं है गायत्री। तुमने जिस क्लिनिक में पूजा का अबॉर्शन करवाया था, वहां के गायनेक से हमारी बात हो चुकी है। तुमने उसे कॉल भी किया था। पूजा! इन सबका जिम्मेदार मैं डॉक्टर सतीश को मानती थी, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। डॉक्टर सतीश ने पूजा के बच्चे का DNA टेस्ट करवाया था, किसके साथ? पता नहीं, वो बच्चा किसका था मैं जानती थी। किसका? चंदन का। 15 साल का लड़का है, पर उसकी जिंदगी खराब हो ना जाए इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, पर ये बात मैंने बाद में डॉक्टर सतीश को बताई थी। मैडम, गायत्री की बातों से लग रहा है कि डॉक्टर सतीश एक भला इंसान, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वो लोगों की मदद करता था। राइट, लेकिन डॉक्टर सतीश अभी कहाँ है?
और नीरज के साथ क्या हुआ? माथुर, तुमने इस बार में पता किया? 21 मार्च को जहाँ पर प्रदीप ब्रिजेश के साथ था? हाँ मैडम, मैंने सीसीटीवी और बिल दोनों चेक किए, वो वहीं थे। मुझे क्या पता कौन सा एनजीओ, कौन से पैसे? 22 मार्च को दत्ता से तुमने बात की थी और तुम उससे मिले थे, क्यों? वो मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, वही लौटाने गया था। तुमसे मिलने के बाद दत्ता को किसी ने नहीं देखा? तो मुझे क्या पता, आप बहू साहब से पूछिए ना, वो भी थे वहाँ पे। 23 लाख है बहू साहब, पूरा हिसाब चुकता कर दिया। ठीक है, कौन बहू साहब? वो आई साहब का लड़का शंकर भाऊ, दत्ता नाम था उसका, उसी ने झोल किया होगा। 2 महीने पहले काम से निकाल दिया था मैंने उसे। सर, फॉरेंसिक टीम ने 3D फेस बनाया सर। सर ये फाइल पे, सर ये तो दत्ता है, आई साहब का आदमी। पिछले साल मैंने इसे अरेस्ट किया था स्मगलिंग के केस में। मतलब वो लाश दत्ता की है? आई साहब का मर्डर शंकर ने किया था, इसमें उसका वीडियो है। क्या एमएल नगर पुलिस ने प्रदीप को बुलाया था? जी मैडम, एक फ्रॉड का केस था, इसमें लोकल गैंगस्टर आई साहब का बंदा दत्ता इन्वॉल्व था। दत्ता ने प्रदीप को 25 लाख रुपए उधार दिए थे ट्रस्ट में से गबन करके, जो प्रदीप ने 22 मार्च को उसे वापस कर दिए थे। 22 मार्च 21 की रात को डॉक्टर सतीश गायब हुआ था और नीरज ने उसी रात 65 लाख रुपए जमा करवाए थे। जिस एनजीओ से दत्ता ने पैसे निकाले थे, उसी एनजीओ में आपके डॉक्टर साहब आई साहब के पैसे ब्लैक टू व्हाइट करते थे। और दूसरी बात, 3 हफ्ते पहले 2 गन खरीदी गई थी हमसे। मतलब 19 मार्च के आसपास किसने खरीदी थी? प्रदीप ने। पहले मेरे लिए फिजेट और बेल दोनों का इंतजाम करवाइए, फिर देखते। मैडम, ये शकील पड़ा जाने वाले ब्रिज के पहले का सीसीटीवी फुटेजेस है। ये 17 तारीख का, ये 18 का, ये 19 का और ये 20 का। और ये मनोज हार्डवेयर से 15 तारीख को लिए गए सामान का बिल, रस्सी, काला कपड़ा और चूरा, कि मनोज हार्डवेयर के सीसीटीवी ग्रैब। एक काम करो माथुर, पिछले 1 महीने में शकीलपाड़ा में जो भी प्रॉपर्टीज लीज पे गई हैं, घर, गैरेज, दुकान, जो कुछ भी है, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। ओके मैम। यह है वो एविडेंस जो तुम्हारी पूरी प्लानिंग को सपोर्ट करते हैं, शकीलपाड़ा के गैरेज का लीज एग्रीमेंट जो नरेश गायकवाड़ के नाम पर है। अब बताओ डॉक्टर सतीश कहाँ है? थैंक यू नीरज, पूरे 65 लाख है। देखो अब दोबारा फोन मत करना मुझे। नीरज को क्यों मारा? पैसे दे तो दिए थे तुम्हें। अरे 20-22 लाख में क्या होगा? और पैसे मंगवा। और कहाँ से मंगवाऊंगा पैसे? अब मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। चिल्लाना बंद कर और फोन कर अपने उस नेता को और पैसे मंगा, नहीं तो तेरी ये सारी डॉक्टरी निकाल लूंगा। फोन कर चुपचाप। ब्रिजेश, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद की है ना। तुमने जब पूजा के साथ किया उसके बाद भी मैंने तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। क्या मैंने किया पूजा के साथ? साले कमीने, तेरी वजह से पूजा मर गई, तू जिम्मेदार है उसका। ये क्या किया तूने? अब पैसे कहां से आएंगे? देखो वैसे भी हम सबको 22-22 लाख रुपए मिल गए, हाँ ये क्या कम है? ऐसा करते हैं, इस लाश को यही गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और लोगों को लगेगा कि इसी ने उस नीरज को मार दिया और पैसे लेकर भाग गया। जिस बार में तुम लोग बैठे थे उसके पीछे के रास्ते से तुम बाहर गए, क्राइम किया और बिल भरने के लिए वापस आ गए। प्लान किसका था? मैडम मैंने ही जोड़ा था सबको। प्रदीप को पैसा चाहिए था और गायत्री को बदला। क्या सोचा था तुमने? तुम अपने मरे हुए पति के नाम पे गैरेज लोगी और पकड़ी नहीं जाओगी। मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने पूजा का बदला लिया। पूजा की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने उसका फोर्स्ड अबॉर्शन करवाया था। डॉक्टर सतीश की इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम लोगों ने हैवानियत की हद पार कर दी। तुम लोगों की लालच के चलते एक नेक दिल इंसान मारा गया। क्या मिला ये सब करके? अपनी मेहनत से कमा कर जीते तो शायद आज सबके सामने सुनहरा भविष्य होता। ब्रिजेश और प्रदीप को पैसा चाहिए था और गायत्री को बदला, सबके अपने अपने मकसद थे और इन सबको एक नौका में ब्रिजेश लेकर आया। पुलिस ने डॉक्टर सतीश के ऑफिस से जो भी कागजात जब्त किए थे वो आयकर विभाग को सौंप दिए गए। शंकर के बयान के बाद पुलिस ने कमला तावड़े उर्फ आई साहब की भी लाश बरामद कर ली है। लालच किसी भी चीज की हो, पर याद रखिए उसकी लत हमेशा बुरी होती है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूँ आपसे, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।